आइए हम अगला सवाल शामिल करते हैं। ये गाजियाबाद से प्रश्न है, अशोक पाठक साहब की तरफ से है और आइए स्क्रीन पर इसको चेक करते हैं। अगला प्रश्न जो रहेगा, ये उन्होंने जानना चाहे, इनको होम लोन के बारे में जानना चाह रहे हैं और आपने जो डिटेल्स भेजी है कि आप अपने बेटे के लिए चेक कर रहे हैं जिनकी एज राउंड अबाउट 26 है और फॉर्म एयरलाइन से आपने कहा वो लास्ट 19 मंथ से जॉब कर रहे हैं और इनका एनुअल पैकेज 18 लाख राउंड अबाउट है जिसके तहत अब आप जो लोन रिक्वायर्ड है वो 50 लाख का है। अशोक पाठक साहब, आप हमें ये बताइए, ये जो आप लोन की बात कर रहे हैं इसमें इससे पहले क्या किसी प्रकार से कोई लोन लिया गया है आपके बेटे की तरफ से या पहली बार है कि आप किसी प्रकार के लोन के लिए आगे मूव कर रहे हैं? हाँ सर, कभी ऐसा कभी नहीं लिया, पहली बार मूव कर रहे हैं। कहाँ पर सैलरी अकाउंट है? सैलरी अकाउंट ओके। और जो प्रॉपर्टी है उसके टाइटल एकदम क्लियर है? कहाँ पर देख रहे हैं जो होम लोन की आप बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी कहाँ बेस्ड है? ये वैशाली में है, बिल्कुल सही डाटा में इसका कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी वहाँ प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है। राइट, आपको इस प्रकार दिलवाते हैं पवन साहब, आपको लगता है इनके केस में जिस तरह से बता रहे हैं होम लोन की जहां तक एलिजिबिलिटी है इनकी सैलरी इनकम्स के अकॉर्डिंगली इनको ये लोन मिलने में ये आगे मूव कर सकते हैं, आप कैसे इनको एडवाइस करेंगे? देखिए सौरभ जी, ऐसा है नॉर्मली जो होम लोन के लिए लेंडर है ना कम से कम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगता है, जैसे इनके अशोक जी के सन को 19 महीने हुए हैं पर मेरे को लगता है कि वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड है क्यों एयरलाइंस में काम करते हैं और जो लेंडर्स है वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोगों के लिए ये जो 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस इंसिस्ट नहीं करते हैं। और जैसे बताया आपने कि उनकी 18 लाख की सैलरी है और उनको 50 लाख का लोन चाहिए तो वो 50 लाख का लोन उनको आराम से मिल जाएगा और परंतु जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो भी उसका भी इंपैक्ट रहेगा उनकी लोन एलिजिबिलिटी पे, क्योंकि जो बैंक है वो जो प्रॉपर्टी वैल्यू है उसका 80% से ज्यादा लेंड नहीं कर पाएंगे। तो जैसे 50 लाख का लोन चाहिए इनको तो जो इनकी जो प्रॉपर्टी जो देख रहे हैं उसकी वैल्यू कम से कम 62.5 लाख रुपए होनी चाहिए और इसके अलावा जैसे आरबीआई ने इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि जो लेंडर्स हैं वो स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन को फाइनेंस नहीं कर सकते तो ये भी इनको अपनी जेब से भरना पड़ेगा। जी, और आज की जो पॉलिसी रही इसको भी आप कैसे बताएंगे, उसको लेकर जो अब बैंकर्स जो आगे अपनी स्ट्रैटेजी जो प्लान कर रहे हैं, रेपो रेट में फिर इजाफा कर दिया गया है तो फेस्टिव सीजन के बाद क्या आप देख रहे हैं कुछ हाइक होता हुआ, क्या उस फ्रंट पर बोझ पड़ सकता है? ये जो सिग्नल इंडिकेशन है ये क्या आपको दर्शा रहे हैं, ये किस और हम बढ़ रहे हैं शॉर्ट टर्म में रेट्स की तरह जहां तक बात है? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि शॉर्ट टर्म में तो अभी जैसे जो इन्फ्लेशन कंसर्न की वजह से आरबीआई ने जैसे आज रेट्स बढ़ाई है तो शॉर्ट टर्म में तो ये जो रेट्स है वो ऊपर जाती हुई दिख रही है, पर लॉन्ग टर्म में बिकॉज एवरीबडी इज वरीड तो सबकी चिंता है कि जैसे इन्फ्लेशन कूल डाउन हो जाएगा तो ये रेट्स नीचे आ जाएगी, परंतु इमीडिएटली जैसे मैं बता सकता हूँ आपको कि बैंक्स के पास भी ज्यादा लीवे नहीं है तो बैंक्स को भी जो अपनी लैंडिंग रेट है बेस रेट से वो बढ़ानी पड़ेगी। जी, हम एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, कई और प्रश्न हैं, आज लोन सेंट्रिक हम प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं, हम एक ब्रेक लेकर जल्दी लौट कर आते हैं।